अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पीपीएससी में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट मेडिकल जॉब्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी के थ्रू अनाउंस होने वाली लेटेस्ट मेडिकल जॉब्स पर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, इसके अलावा एज लिमिट कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, किन किन पोस्ट पर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की जा चुकी है, हर चीज पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पीपीएससी के थ्रू अनाउंस होने वाली लेटेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए तो आप लोगों ने आज की ये वीडियो जरूर देखनी है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते आज की वीडियो की जानिब। आप लोगों ने सिंपली क्रोम पर आ जाना है। यहाँ पर आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। तो अगर आप लोग हाईलाइट में ये देख रहे हो तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/2023 के तहत वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पर जॉब एडवर्टाइजमेंट पेपर रीड कर लेते हैं जी। तो फाइनल हमारे सामने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस होने वाली लेटेस्ट मेडिकल जॉब्स का जो है वो एडवर्टाइजमेंट पेपर ओपन होकर आ चुका है। जॉब एडवर्टाइजमेंट पेपर रीड कर लेते हैं तो ये देखे सीरियल नंबर फर्स्ट पर जो है 151 सीरियल नंबर पर केस नंबर जो है वो 22 RM है, जिस पर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। 18 स्केल की ये जॉब है। कंसल्टेंट पैथोलॉजी की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जिसमें क्वालिफिकेशन MBBS इसमें रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की मेल कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 50 साल रिक्वायर्ड है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो 53 ईयर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है इसमें पंजाब के जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, देन ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। सीरियल नंबर 2 पर ये देखे 152 पर जो है वो RM23 की ये वैकेंसी है। इसमें जो है ये केस नंबर RM23 है और इसमें अब ये भी BPS 18 स्केल की जॉब है। कंसल्टेंट कार्डियोथोरासिक सर्जन की ये जॉब्स हैं। MBBS इसमें भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज लिमिट इसमें भी है और इसमें भी मेल एंड फीमेल और ट्रांसजेंडर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो डोमिसाइल सिर्फ पंजाब का होना चाहिए इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए। सीरियल नंबर 153 पर अपना जो है केस नंबर 24 RM है। इस पर वैकेंसी की जो अनाउंसमेंट हुई है वो कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। BPS 18 स्केल की जॉब है। हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेडिकल जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए। तो ये देखें इसमें भी क्वालिफिकेशन MBBS रिक्वायर्ड है। इसके साथ ये जो इसमें भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सेम है और इसमें भी पंजाब के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है सब में। इसके अलावा जो है ये कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है जी। तो इसके साथ ये देखें सीरियल नंबर 157 पर जो है वो केस नंबर 28 RM पर कंसल्टेंट ऑप्थामोलॉजिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें भी MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अपना जो है एज लिमिट जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड है वो सेम है। 50 साल मेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रिक्वायर्ड है। देन इसके साथ जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 53 ईयर एज लिमिट रिक्वायर्ड है। इसके साथ जो है वो कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें भी अपना क्वालिफिकेशन MBBS रिक्वायर्ड है और सेम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। पंजाब से ही कैंडिडेट्स इन जॉब्स के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके साथ जो है वो सीरियल नंबर 159 पर कंसल्टेंट TB एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। MBBS इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या फिर इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान मेडिकल डेवलपमेंट काउंसिल से रजिस्टर्ड अदारा हो जिससे वो डिग्री मंजूरशुदा हो। इसके साथ सीरियल नंबर जो है 160 पर जो है वो केस नंबर 31 RM के तहत वैकेंसी की जो अनाउंसमेंट हुई है। कंसल्टेंट इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या फिर इक्विवेलेंट मेडिकल जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ अपना जो है वो एज लिमिट सेम है इसकी 50 मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 53 ईयर रिक्वायर्ड है। मेल कैंडिडेट को 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है और फीमेल कैंडिडेट को 8 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। सीरियल नंबर 161 पर अपना जो है केस नंबर 32 RM के तहत जो वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। MBBS इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके साथ मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट इसमें सेम है और इसमें भी मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं जी। तो इसके अलावा आगे देखें ये सीरियल नंबर जो है 162 पर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें भी MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर जो है 163 के तहत जॉब वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है।
इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर किडनी ट्रांसप्लांट की जॉब्स के अनाउंसमेंट हुई है। इसमें भी एमबीबीएस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके साथ जो है वो सीरियल नंबर 164 के तहत वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल पैथोलॉजी की जॉब्स के अनाउंसमेंट हुई है। इसमें एमबीबीएस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके साथ सीरियल नंबर 165 के तहत वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर की जॉब्स के अनाउंसमेंट हुई है। एमबीबीएस इसमें भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सीरियल नंबर 166 पर असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी की जॉब्स के अनाउंसमेंट हुई है। एमबीबीएस इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है वो डीएससी पीएचडी एमडी इसमें क्वालिफिकेशन एमफिल इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसमें भी अपना मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सेम इसमें रिक्वायर्ड है। तो इसके अलावा जो है ये देखिए आगे चिल्ड्रन लाइब्रेरी में अपना जॉब्स के जो अनाउंसमेंट हुई है, इसमें अपना ऑडिट ऑफिसर की जॉब्स के अनाउंसमेंट हुई है। इसमें क्वालिफिकेशन एमकॉम एमबीएस में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है फाइनेंस में। इसके अलावा जो एज लिमिट इसमें 21 टू 28 ईयर इसमें एज लिमिट रिक्वायर्ड है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 21 टू 28 ईयर एज लिमिट रिक्वायर्ड है प्लस 8 ईयर रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और मेल कैंडिडेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है 5 ईयर रिक्वायर्ड है। सो इसके साथ ही आप सीरियल नंबर 168 पर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज की जो अनाउंसमेंट हुई है, तो उसमें एज ए स्टेनोग्राफर की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, सेकंड डिवीजन के साथ रिक्वायर्ड है, 100 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है, और इसमें एज लिमिट 18 से 25 साल रिक्वायर्ड है प्लस 5 ईयर इसमें एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके अलावा अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि आप लोग जो है पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये अफजाल अहमद हैं, अपना सेक्रेटरी पीपीएससी के, उनकी जनब से अनाउंस की जा रही है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2023 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। मजीद मालूमात के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मजीद मालूमात आप लोग वहां से रिटर्न देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।